अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नूर सबा, आपका इस्तकबाल है मेरे चैनल में। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि मैं यूपी में हूँ, वैसे तो मैंने अपनी हर वीडियो मुंबई के मलाडगढ़ से पोस्ट की है, लेकिन अभी फिलहाल मैं अपनी सारी वीडियो यहाँ से पोस्ट करूँगी, बिल्कुल यहाँ के स्टाइल से। लेकिन आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, आज मैंने बनाया है आम और पुदीने की चटनी। वैसे मौसम आम का है, इसलिए डायरेक्टली दरख्त से तोड़ लेते हैं आम। ये देखिए, ताज़ा ताज़ा पेड़ से तोड़े हुए आम। ये पुदीना भी मौजूद है, तो ताज़ा ताज़ा पुदीना भी तोड़ लेते हैं। ये पुदीना धुल के तैयार है और इसके साथ हमें लगेगा मिर्ची और लहसुन। ये 5 से 6 दाना लहसुन लिया है मैंने और तीखे के हिसाब से मिर्ची। सबसे पहले आम को छील लेती हूँ, एक आम का ही इस्तेमाल करूँगी, इसलिए सबसे पहले एक आम को छील लेती हूँ। दोस्तों, छीलने के बाद इसे हमें पीसेस में कट कर लेना है क्योंकि पीसने में आसानी होगी। दोस्तों, ये चटनी पीसने के लिए सभी सामान तैयार हैं। ये पुदीना, ये कटे हुए कच्चे आम, हरी मिर्ची, लहसुन। वैसे तो हम इसे झटपट तरीके से मिक्सर में भी पीस सकते हैं और सिलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिल पर पिसी हुई चटनी यकीनन ज़्यादा अच्छी लगती है और गांव में ज़्यादातर चटनी और मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं भी सिलबट्टे से चटनी तैयार कर लेती हूँ। ये टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे और फिर शुरू करेंगे इसे पीसना। दोस्तों, कितने झटपट और आसानी से बन गई है हमारी चटनी। जिसके साथ आपका मन करे उसके साथ खाइए और इस चटनी का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ जरूर आपको पसंद आया होगा। प्लीज अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।